सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। तोता मिट्ठू मिट्ठू बोलता है। आपने कई खेल देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसा खेल दिखाएंगे जो आपने नहीं देखा होगा। आपने तोते का खेल तो नहीं देखा होगा, आपने तोते को बोलते सुना होगा। सुना होगा तोता मिट्ठू मिट्ठू बोलता है, पर क्या कभी तोता किसी का एजेंट हो सकता है? आपने सोचा है? आज हम एक ऐसा तोता दिखाएंगे जिसके अंदर बहुत राज छुपे हैं। इन्वेस्टर है ये तोता, इन्वेस्टमेंट करता है। सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार पर एसीबी ने शिकंजा कसा। शिकंजा कसा तो जांच होने लगी। जांच तो हो रही है, पर हम ढूंढ करके लेके आए हैं एक तोता। इस तोते के पास अवैध संपत्तियों का कूद खजाना है। एसीबी की नजर से फिलहाल ये तोता बचा हुआ है, लेकिन इस तोते का खेल आज हम दिखाएंगे। आज देखिए मिट्ठू मिट्ठू बोलते बोलते ये तोता कैसे खेल खेलता है। ये रिपोर्ट देखिए आप। महली कुम्हार के पास थी 6 एकड़ 30 डिसमिल जमीन। महली कुम्हार के बेचे हुए गोपाल कुम्हार और जयपाल कुम्हार, जमीन आधे आधे हिस्से में बटी, यानी गोपाल कुम्हार के पास आई 3 एकड़ 15 डिसमिल जमीन। गोपाल कुम्हार के दो बेटे थे, एक जगदेव कुम्हार और दूसरे भलदेव कुम्हार। भलदेव कुम्हार के कोई बच्चा नहीं था, इसलिए सारी जमीन यानी कि 3 एकड़ 15 डिसमिल जमीन जगदेव कुम्हार को मिल गई। अब जगदेव कुम्हार के तीन बच्चे, रघु कुम्हार, सूरचंद्रा कुम्हार और देवनाथ कुम्हार। अब इन तीनों को अपने अपने हिस्से में मिली 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन। रघु कुमार की एक बेटी थी मतीन कुमारी। मतीन कुमारी के हिस्से पिता की जमीन आई पूरी की पूरी 1 एकड़ 5 डिसमिल। सूरचंद्रा कुमार के दो बेटे प्रसाद कुमार और गोपाल कुमार। प्रसाद कुमार के हिस्से आई 52.5 डिसमिल जमीन। गोपाल कुमार के भी हिस्से आई 52.5 डिसमिल जमीन। देवनाथ कुमार के कोई बच्चा नहीं था, तो उनकी पूरी जमीन उनकी पत्नी दशमी देवी को मिली। इस लिहाज से दशमी देवी को मिली 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन। अब खेल देखो, दशमी देवी और गोपाल कुमार ने मिलकर जमीन बेची। अब दोनों की जमीन को अगर जोड़ दिया जाए तो 1 एकड़ 53 डिसमिल जमीन होती है। लेकिन आप इस कागजात को देखिए। दोनों ने मिलकर जमीन बेची 2.375 एकड़। क्या यह संभव है कि जिसके पास 1 एकड़ 53 डिसमिल जमीन हो वो लगभग 2.25 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कर दे? यानी यहां तो खेल हुआ है। यह खेल है तोते का खेल। इस तोते का नाम है मुकेश कश्यप। इस पूरी रजिस्ट्री में कहीं भी पैन कार्ड नहीं है, यानी रजिस्ट्री बिना पैन कार्ड के हुई। रजिस्ट्री 10 लाख से ऊपर की है, फिर भी पैन कार्ड की जरूरत नहीं है क्या? चलिए अब दूसरी वंशावली देखिए। महली कुमार के दूसरे बेटे जयपाल कुमार। जयपाल कुमार को मिली 3 एकड़ 15 डिसमिल जमीन। जयपाल कुमार के दो बच्चे रामदयाल कुमार और मोतीराम कुमार। मोतीराम कुमार को मिली 157.5 डिसमिल जमीन। मोतीराम कुमार के बच्चे हुए कंदरा कुमार और कंदरा कुमार के दो और बच्चे, एक महावीर कुमार और दूसरा सीताराम महतो। नियमानुसार सीताराम महतो के हिस्से आई 78.5 डिसमिल जमीन। लेकिन अब ये कागज देखिए।
सीताराम महतो के पास थी 78.5 डिसमिल जमीन, पर उसने रजिस्ट्री की 1 एकड़ 11 डिसमिल जमीन। इस रजिस्ट्री में भी पैन कार्ड कहीं नहीं। ये खेल भी तोता मुकेश कश्यप का खेल। चलिए अब तीसरा खेल भी देखिए। ये देखिए प्लॉट नंबर 203 के रजिस्ट्री के कागजात। ये जमीन समीलाद जमीन। इस जमीन की रजिस्ट्री में रसीद डाली गई प्लॉट नंबर 222। क्या यह संभव है? ये खेल भी तोते का ही है। तोता कौन? तोता मुकेश कश्यप। तोता किसका? तोता मनोज कुमार। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता। चोच मेरी लाल रंग की मिठू मिठू मैं करता। चोच मेरी लाल रंग की मिठू मिठू मैं करता। मिठू सिर्फ बोलता नहीं है, मिठू खेल दिखाता है, चोंच भी मारता है। मिठू हमें चोंच मारने की कोशिश भी करेगा। हम चाहते हैं कि मिठू जी, माफ कीजिए मुकेश जी, आप आए हमारे सामने, आए मीडिया के सामने आए और अपना पक्ष रखें, वरना एसीबी, ईडी, आयकर विभाग, आप तो संज्ञान लीजिए। संज्ञान आपको लेना ही चाहिए। क्यों संज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि आखिर क्या है, आखिर हमारे मुकेश जी, हमारे तोते जी, हमारे मिठू जी छुपा क्या रहे हैं? उन्होंने इतनी संपत्ति आखिर अर्जित कहां से की है? उनकी संपत्तियों का एक और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर अभी हम दिखाते हैं और तस्वीर में आप देखिएगा कि सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से अरबों की संपत्ति अर्जित की है। अब ये खुलासा एसीबी ने तो कर दिया है। शिकायत के बाद एसीबी ने पी भी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी तो पता चला कि मनोज कुमार ने हीनू में करोड़ों का मकान बनाकर रखा है। उन तस्वीरों को दिखाइए, पीसीआर से रिक्वेस्ट है, वो तस्वीरें दिखाइए। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तो आपके सामने तोते राम आ गए और अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें वो हैं जो हमारे संवाददाता ने बड़ी मुश्किल से खोजबीन करने के बाद ये तस्वीरें वो लेकर के हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, इन तस्वीरों के पार्टनर हैं हमारे तोते साहब, यानी ये प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज मनोज कुमार और हमारे तोते साहब ने कंपनी बना करके बाकायदा और उसके बाद फिर इन तस्वीरों में जो दिखाई दे रही है प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को खरीदा है। अब कई ऐसी कंपनियां हैं जो इन लोगों के नाम से चल रही हैं। 4 कंपनियों की हमारे पास लिस्ट है, जिसमें से एक कंपनी है जिसका नाम है रोनित इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। पहला कंपनी का नाम है रोनित इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, तो ये एक कंपनी है। बाकायदा विदाउट डॉक्यूमेंट तो हम बात करते ही नहीं है। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों का आप आनंद लीजिए और हम कंपनियों के नाम भी बताते हैं। अब हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते हैं। हमारे संवाददाता ने ये सब तो दिखाया, इन तस्वीरों को हम ढूंढ करके लेके आए। अब जो करना है वो तो ईडी को करना है, जो करना है वो तो आयकर विभाग को करना है और जो करना है वो तो एसीबी को करना है। देखिए बाकायदा पूरा पुलिंदा लेकर के मैं बैठा हूं। ये पुलिंदा है, ये उन डीड्स की जो वो डीड्स हैं जिनकी इन्होंने जमीनें खरीदी हैं। आप देखिए, अब जैसे इसकी बात कर लेते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डीड है प्लॉट संख्या 203 की। सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ये खरीदी गई है जमीन 14,21,000 रुपए मात्र का इसका इवेल्युएशन है। जैसा कि आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं पढ़ के बता देता हूं कि इसकी जो इवेल्युएशन है वो है 14,21,000 रुपए की। लेकिन अगर 14,21,000 रुपए की है तो इसको आप पूरा छान मारेंगे तो आपको कहीं भी इसमें पैन कार्ड नजर नहीं आएगा, कहीं भी पैन कार्ड नजर नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो इसमें समझ में नहीं आता कि 202 जो प्लॉट है वो एक समीलात प्लॉट है। अब समीलात प्लॉट के लिए अगर खरीदारी होती है तो इसमें रसीद डाली गई है प्लॉट नंबर 222 की। हुजूर ये जादू कैसे कर दिया आपने कि आपने एड्रेस मेरा डाला है और खत आपके पते पर डिलीवर हो रहा है? बड़ी अजीब बात है। तो ये एक हो गया। दूसरा बात आप देखिए कि जिस तरीके से हमने आपको वंशावली बनाई बताई तो उस वंशावली के तहत अगर हम दशमी देवी और गोपाल कुमार इन दोनों की बात करते हैं तो इनके खाते में जमीन आती है 1 एकड़ 5 डिसमिल
और 52.5 डिसमिल, यानी कुल मिलाकर के होता है 153 डिसमिल। अब 153 डिसमिल जमीन का जो मालिक है वो लगभग 2 एकड़ 375 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री कर देता है। ये जादू कैसे हुआ? छू, आप समझिए, तोता जादू भी दिखाता है। तीसरा मामला भी हम आपको बताते हैं कि भाई अगर जमीन की बात करें तो सीताराम महतो, जो वंशावली के हिसाब से हमारे पास वंशावली भी मैं लेकर के बैठा हूं बकायदा, उनके पास जमीन आती है 78.5 डिसमिल। फिर से वही छू, जादू दिखाते हैं ये हमारे तोते जी, और ये रजिस्ट्री करवाते हैं 1 एकड़ 11 डिसमिल जमीन की। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या, आप भी सोच रहे होंगे। तो कारण ये है कि मनोज साहब की जो संपत्ति है, अब मनोज साहब ने तो भ्रष्टाचार किया, एसीबी ने पीईबी दर्ज कर ली, उसकी जांच चल रही है। अब मनोज साहब का जो माल था उस माल को तोते के पास रखा गया। अब तोते को तो समझ में नहीं आया कि कहां इन्वेस्ट करें, तो तोते ने अपने हिसाब से जहां मर्जी वहां पर इन्वेस्ट किया। और देखिए इन्वेस्टमेंट का ये नतीजा, पूरा पुलिंदा देख लीजिए, ये पूरा पुलिंदा लेकर के बैठा हूं। आकाश भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुक कर रहे हैं आकाश भार्गव का। आकाश, तोते का खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। 203 नंबर समिलात प्लॉट की रजिस्ट्री होती है और रसीद 222 की डाली जाती है। अजीब बात है, किसी भी रजिस्ट्री में पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता, बड़ी अजीब बात है। और सबसे बड़ी बात कि जिसके पास जमीन 1 एकड़ 11 डिसमिल है, वो जिसके पास जमीन 78 लगभग 78.5 डिसमिल है, वो 1 एकड़ 11 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री कर रहा है। जिसके पास 153 डिसमिल जमीन है वो 237 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री कर रहा है। आखिर मतलब माजरा क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसकी जो मर्जी छू, जादू। आकाश जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए यह एक जादू है और इस खेल का वास्तविक जादूगर मनोज कुमार हैं। मुकेश कश्यप उनके तोते हैं जिन्होंने ये जो सामने आकर के रोनित इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम करते हैं और मुकेश कश्यप के साथ इसमें उनके दूसरे पार्टनर है फूलचंद साहू, जिनके नाम से ज्यादातर जमीन ली गई। और यह लगभग पूरी की पूरी जमीन जो कि जरिया मौजा में स्थित है, तेतरी के पास की जमीन है, और इसमें लगभग 9.5 एकड़ जमीन की खरीद की गई इसी कुम्हार परिवार से, जिसका जिक्र आपने पैकेज में किया और अपने दर्शकों के समक्ष रखा। और आपको बता दें कि इसमें एक छुपी हुई पार्टनर भी है जिनका नाम कंचन कुमारी है, और ये वही कंचन कुमारी है जो मनोज कुमार की अर्धांगिनी है, आधा अंग है, और उनके भ्रष्टाचार के मामले में भी इन्होंने की पूरी सहभागिता निभाई है। उनके पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए ये खुद अपना कंधा लेकर के सामने आई और पार्टनर बन करके रोनित इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने मुकेश कश्यप और फूलचंद साहू के साथ मिलकर के ये सारा खेल खेला। और यह वही दौर है जिस दौर की जांच एसीबी कर रही है, जब मनोज कुमार ने, जो कि सहकारिता पदाधिकारी हैं, उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित किया। यह संपत्ति उन्होंने कहाँ से अर्जित की यह उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि एसीबी उनसे पूछ रही है, ईडी के स्तर से उनसे सवाल किया जा रहा है। उन्होंने रांची में होटल्स बना रखे हैं जिनमें से एक होटल है होटल आर्ची, जो स्टेशन रोड के प्राइम लोकेशन, राजधानी रांची के सबसे प्राइम लोकेशन माने जाने वाले सिरमटोली चौक पर स्थित है, जहां केएफसी स्थित है, जहां योगदा सत्संग आश्रम स्थित है, वहीं पर यह प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अरगोड़ा में इन्होंने बहुमंजिली इमारतें खड़ी किए हैं जिनमें कई सारे ब्लॉक्स हैं, और ये बहुमंजिली इमारतों की कीमत आज की तारीख में कई करोड़ आंकी जाती है। और यहाँ के सारे फ्लैट्स इन्होंने बेच डाले हैं। मनोज कुमार की पत्नी कंचन कुमारी इसमें भी मुकेश कश्यप और फूलचंद साहू की पार्टनर है। तो इस तरह से इन लोगों ने, मनोज कुमार ने जो अकूत संपत्ति अर्जित की उसे कैसे छुपाया जाए, उसका कैसे निवेश किया जाए और कैसे उस संपत्ति को और ज़्यादा दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ाई जाए, इसके लिए काम किया है। अब मनोज कुमार जो कि पूरे प्रकरण के किंग पिन है, उनके पीछे तो एसीबी पड़ी हुई है। एसीबी ने पहले ही पी दर्ज कर लिया था, जब एसीबी के पास शिकायत ले जाई गई थी तो पी दर्ज करने के बाद एसीपी ने अपने स्तर से जाँच शुरू किया और जाँच में यह पाया कि मनोज कुमार सहकारिता पदाधिकारी ने अपनी जो घोषित आय है उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित किया। इसके बाद अब एसीबी ने, चूंकि मनोज कुमार सहकारिता विभाग में मूल रूप से पदस्थापित हैं, सहकारिता पदाधिकारी हैं, तो सहकारिता विभाग से उनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज करने के लिए जो अनुमति चाहिए वह मांगी है। अब यह अनुमति मिलते ही मनोज कुमार तो सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन
और साथ साथ कंचन कुमारी भी, चूंकि उनका भी नाम आ चुका है, वह भी इसमें डायरेक्ट सलाखों के पीछे होंगी। लेकिन मुकेश कश्यप और फूलचंद साहू जैसे लोगों का क्या होगा जो कि मनोज कुमार के तोते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से सारी चीजें परत दर परत प्याज के छिलके की तरह उतरती चली जा रही हैं, खुलती चली जा रही हैं, तो संभवतः बहुत जल्द इस पूरे प्रकरण में इन सभी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और तब इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इतनी सारी प्रॉपर्टी जिनके पास आई कैसे कैसे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, मुझे किसी ने बताया कि इन जमीनों की जब रजिस्ट्री होती थी, इन जमीनों के लिए जब पेमेंट किया जाता था, तो जो नोट निकलते थे उन नोटों पर धूल की परत जमी रहती थी। यानी ये नोट किसी बैंक से नहीं आते थे, ये नोट कहीं घर में कहीं जगह पर छुपा करके रखे गए हैं। तो आयकर विभाग को इनके घरों की तलाशी क्यों नहीं लेनी चाहिए, इनके घरों पर जा करके और सर्वे क्यों नहीं करना चाहिए, ईडी को इनके घरों की तलाशी क्यों नहीं लेनी चाहिए, ऐसे लोगों की तलाशी आखिर क्यों नहीं बनती है? बाकायदा बनता है, आम लोगों का पैसा है ये आम झारखंडियों का पैसा है। सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों का पैसा, ये देश का पैसा है। जी हाँ, देखिए ये आम लोगों का पैसा है जिसे जबरन इन लोगों ने आम लोगों की जेब से निकाल कर अपने अपने घरों में कैद कर रखा है जी। और धूल की परत यह साबित करती है कि ये जो रुपए हैं ये बैंक से नहीं निकले हैं। और सभी रजिस्ट्री, यदि आप तारीख का मिलान करें तो सभी रजिस्ट्री 2017 के अंत में और 2018 के शुरुआती दौर में जनवरी के महीने में हुई आपको मिलेंगी, क्योंकि सारी रजिस्ट्रीज जो है उसी समय की हैं। और आपको यह भी बता दें यहाँ पर कि यही वह दौर है जब मनोज कुमार की काफी की पोस्टिंग काफी क्रीमी जगहों पर हुआ करती थी और इसी दौरान ही इन्होंने इतनी सारी संपत्ति अर्जित की। और बड़ी मजेदार बात यह है कि आपके पास मकान एक है लेकिन आप चार मकान की रजिस्ट्री कर देते हैं, जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया कि जिसके पास एक एकड़ 11 डिसमिल कुल जमीन है वह रजिस्ट्री करता है 2 एकड़ और 37.5 डिसमिल जमीन की। तो ये खेल कैसे हुआ और इसमें रजिस्ट्री ऑफिस की क्या भूमिका रही, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस को के पास भी दस्तावेज होते हैं, उसके पास तमाम प्रकार के दस्तावेज होते हैं और उन दस्तावेजों का मिलान किया जाता है और मिलान के बाद ही जो है रकबा देखा जाता है कि कितनी किस व्यक्ति के पास जो सेलर है यानी कि विक्रेता उसके पास कितनी जमीन है और उसमें से वह कितनी जमीन बेच रहा है। यह हो सकता है या संभव हो सकता है कि आपके पास 5 एकड़ जमीन हो लेकिन आप उसमें से 2 ही एकड़ जमीन बेचें, लेकिन ये हो नहीं सकता कि आपके पास 5 एकड़ जमीन हो और आप 10 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कर दें। तो आखिर ये जो बढ़ा हुआ रकबा है, आखिर इस जमीन की भरपाई कहाँ से होगी? निश्चित तौर पर इसके लिए भी इन लोगों के पास कोई ना कोई मास्टर प्लान जरूर होगा, यानी कि ये अगल बगल वालों की जो जमीन जो प्लॉट्स बेचे गए हैं उनके अगल बगल के प्लॉट्स पर जबरन कब्जा करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, चूंकि ये लोग पैसे वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं और इनके पास अकूत काला धन है, उसका इस्तेमाल करेंगे, अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके दो औरों की जमीन को हड़पने का प्रयास किया जाएगा। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि जरिया मौजा के जो तेतरी पंचायत में स्थित है वहाँ के लोगों को अभी से सावधान हो जाना चाहिए और इनके खिलाफ डटकर सामने खड़ा होना चाहिए, ताकि ये लोग भविष्य में ये नौबत न लाए कि उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर उनकी जमीन को हड़प लें। इसलिए वहां के लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, साथ ही साथ जो संबंधित विभाग हैं जिनकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, चाहे एसीबी की बात करें, ईडी की बात करें, आयकर विभाग की बात करें, यहाँ तक कि भू राजस्व विभाग को भी इसमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आखिर ये सारा खेल हुआ तो कैसे हुआ, ये पैसे आए तो कहाँ से आए। और जब आप 50,000 या उससे 1 रुपया भी ज्यादा निकालने जाते हैं तो बैंक, जो कि आप ही के पैसे हैं और आपने बकायदा बैंक में खाता खुलवा कर रखा होता है, लेकिन उसकी निकासी के लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, बगैर पैन कार्ड के आपको आपके पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख और ये तो जो रकम अमूमन जो मेंशन की जाती है जो दस्तावेजों में अभिलेखों में, दरअसल यह बहुत ही घटा कर की जाती है, न्यूनतम यानी कि एक कह सकते हैं कि एक नॉमिनल कीमत आंक दी जाती है और उसी को वहां मेंशन किया जाता है, जबकि जमीन की कीमत होती काफी ज्यादा है। आज आप भी देख लें कि जो सरकारी रेट हैं विभिन्न इलाकों में उनसे कई गुना ज्यादा वास्तविक रेट है, बाजार दर है,
तो यहाँ पर ये सारा खेल हुआ है और अब इस सारे खेल की कलाई धीरे धीरे खुलने लगी है और उम्मीद किया जा सकता है कि बहुत जल्द जो है न सिर्फ मनोज कुमार, कंचन कुमारी बल्कि मुकेश कश्यप और फूलचंद साहू जैसे उनके तोते भी सलाखों के पीछे होंगे। अभिषेक आकाश सही बात है, दर्शकों को मैं बताऊं सबसे बड़ी बात है कि जिस समीलात जमीन की बात हो रही है, कहा गया कि भाई समीलात जमीन है, बात सही है, समीलात जमीन है, बहुत अच्छी बात है, चलिए माफ कीजिएगा, तो प्लॉट संख्या जो है उसकी बताई जाती है कि 203 है। अब 203 प्लॉट संख्या की रजिस्ट्री होती है, तो प्लॉट संख्या 203 की रजिस्ट्री होती है तो इसमें जो रसीद जमा होनी चाहिए वो तो 200 खाता नंबर 203 की ही होनी चाहिए, लेकिन यहां देखिए दर्शकों को भी दिखा देता हूं कि यहां खाता नंबर 222 की, अब दर्शकों को साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन 222 की रसीद डाली गई है। तो क्या ऐसा संभव है कि इवैल्यूएशन जिसकी 14,21,000 है, जिस खाता संख्या की 203 खाता संख्या की रजिस्ट्री हो रही है और उसमें रसीद जो डाली जा रही है कि रसीद कटी हुई है 222 की, क्या ऐसा संभव है? ऐसा कोई तकनीकी पेंच है जिसमें कि ये चीज संभव हो सकती है? जी देखिए, इसमें ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि जो रसीद लगाई जाए वो बिक्री कोई और प्लॉट किया जा रहा हो और रसीद किसी दूसरे प्लॉट की लगाई जाए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब दस्तावेजों को एक साथ संलग्न किया गया हो, स्टेपलर जिसे हम कहते हैं वो किया गया हो, तो वो रसीद इधर से उधर हो सकता है, लेकिन यदि रजिस्ट्रार कार्यालय से निकले दस्तावेज इस तरह की बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर यह घोर अनर्थ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यदि ऐसा हुआ है तो रजिस्ट्री कार्यालय की भूमिका भी बेहद संदिग्ध मानी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर मानवीय भूल है तब तो यह क्षम्य है, क्योंकि पिनअप करने के दौरान दस्तावेज कुछ इधर उधर हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल संभव है। लेकिन यदि रजिस्ट्री के समय इन्हीं दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया हो, जो कि जांच का विषय है, यदि जांच होता है और उसमें पाया जाता है कि प्लॉट संख्या 203 की रजिस्ट्री के समय प्लॉट संख्या 222 या 202 की रसीद डाली गई है, तो निश्चित तौर पर यह एक गंभीर लापरवाही नहीं बल्कि यह एक गंभीर श्रेणी का अपराध माना जाएगा, फ्रॉड का मामला बनेगा। और ऐसे में रजिस्ट्री कार्यालय से जुड़े लोग, चाहे कर्मचारी हों अधिकारी हों, उनका भी बच पाना मुमकिन नहीं होगा, उनके ऊपर भी गाज गिरनी तय हो जाएगी। अभिषेक अच्छा, अब आकाश एक और बात जो यहाँ पर चर्चा है जिसकी करनी बहुत जरूरी है। देखिए, मीडिया में उड़ती उड़ती बातों की भी वैल्यू बहुत होती है, खास करके अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप जब फील्ड में उतर करके, तो आपको पता है कि ऐसी उड़ती उड़ती बातों से आपको कभी ना कभी ऐसे महत्वपूर्ण क्लूज मिल जाते हैं जिससे कि पूरे मामलों का भंडाफोड़ हो जाता है। अब उड़ती उड़ती बातें ऐसी भी आती हैं, किसी ने मुझसे सवाल कर लिया कि भाई जिन नोटों पर धूल जमी रहती थी क्या वो नोट पशुपालन घोटाले से जुड़े हुए थे, क्या वो नोट जो है चारा घोटाले से भी उसका संबंध था, या वो नोट हमारे मनोज जी के घोटाले से उसका संबंध था, आखिर इससे इन नोटों का संबंध कहाँ था? नोटों के ऊपर धूल जमा रहना, ऐसे नोट बैंक से तो निकल करके नहीं आते, तो आखिर ये नोट आ कहाँ से रहे थे? अब अगर ऐसे नोट आ रहे थे तो जाहिर सी बात है कि जांच तो होनी चाहिए और हर एंगल पर जांच होनी चाहिए। आकाश जी देखिए, बिल्कुल, जहाँ तक बात पशुपालन घोटाले की है, चूंकि मुकेश कश्यप दयानंद कश्यप के भांजे हैं जो पुचारे घोटाले के किंग पिंस में से एक रहे थे, तो यदि आपका इशारा उस ओर है तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो रजिस्ट्री हुई है उस दौरान जिन नोटों का इस्तेमाल किया गया, ये नोटबंदी के बाद वाले नोट हैं, यानी कि नए नोट मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए नोट हैं। इसलिए पशुपालन घोटाले के समय जो नोट चला करते थे, प्रचलन में हुआ करते थे, वो नोट तो निश्चित तौर पर ये नोट नहीं है। लेकिन मनोज कुमार ने एक साथ, हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पर लोगों को बहुत गलत तरीके से लाभ पहुंचाया हो, बहुत सारे लोगों का शोषण किया हो और उनसे एक ही साथ पैसा लिया हो, और चूंकि उतना बड़ा निवेश दिखा पाने की उनकी क्षमता नहीं थी कि उतने ज़्यादा पैसे उनके पास कहाँ से आए, इसलिए उन्होंने कहीं छुपा कर रख दिया हो और किसी ऐसी जगह छुपा कर रखा हो जहाँ आयकर विभाग, ईडी या दूसरे विभागों की जांच एजेंसियों की नजर न पड़े और वह जगह ऐसी हो जहां धूल जम सकता है, या फिर जानबूझकर धूल के अंदर छुपा कर नोट रखे गए हों, जमीन के अंदर गाड़ कर नोट रखे गए हों, यह बिल्कुल संभव है। लेकिन जहां तक पशुपालन घोटाले की ओर इशारा जो आपका है, वह नोट हमें, मुझे लगता है कि वो नोट नहीं हो सकते, क्योंकि उस दौरान प्रचलन में ये आज की तारीख में चलने वाले नोट हुआ नहीं करते थे, इसलिए ये वर्तमान में मनोज कुमार के ही नोट माने जाने चाहिए। मनोज कुमार सहकारिता
का पदाधिकारी नहीं, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इतने सारे पैसे, इतने सारी जो है कह सकते हैं कि खाली कमाई की, वही पैसे हैं जिनका निवेश मुकेश कश्यप, कंचन कुमारी, फूलचंद साहू और उनके बाद अन्य न जाने कितने नाम हैं इन लोगों ने किया, जो रोनित इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से किया गया। अभिषेक, तो आकाश बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आकाश आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहेंगे, इसलिए बने रहेंगे क्योंकि एक और महत्वपूर्ण मामला है जो आपसे चर्चा करना हमारा बनता है कि भाई कैसे झारखंड के अधिकारी पीएमओ के आदेश को भी ठेंगा दिखाते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो हम आपको, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन यहां पर सवाल ये बनता है कि आखिर इस मामले की जांच क्यों ना इनकम टैक्स से होनी चाहिए, क्यों ना इसकी जांच जो है वो ईडी से होनी चाहिए, और क्यों ना इसकी जांच जो है वो एसीबी से होनी चाहिए, कि अगर मनोज पकड़े गए हैं तो उनके तोते पर भी तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा तो हमारा और आपका, आम लोगों का है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको जमीन का खेल और दिखाएंगे। अभी तक तोते का खेल देखा है आपने, अब आपको जमीन का खेल दिखाते हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं।